अस्सलाम वालेकुम, मैं सबीना पठान फॉर एमकी न्यूज के साथ में मैं शैया सबके साथ बैठी हूँ। बहुत से लोग होते हैं कि लोग बोलते हैं ना कि हम परेशान हैं, हमें कोई दुआ के तरीके नहीं मालूम, कुछ तरीके नहीं मालूम। बहुत सी चीजें कि लोग शादी के लिए दुआ करते हैं, रोजी के लिए दुआ करते हैं। आइए तो मैं शैया साहब से पूछती हूँ कि इस्लाम में कौन सी ऐसी दुआ है जो हर चीजों के फायदे होते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात तो ये है कि भाई हम जो है पहले नमाज का इहतमाम करें। दुआ तो एक बोनस है और दुआ जो ऐसी बोनस है कि हमको हर चीज में आपको फायदे देता। आदमी दीनदार होगा, कुरान पाक की तिलावत करेगा, नमाज पढ़ेगा, अल्लाह को याद करेगा। और बाकी बचे दुआ जो है वो तीन अल्लाह वाले गुजरे जो है महमूद गजनवी और अपने आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह और टीपू सुल्तान, ये तीनों बादशाह जो है नेक गुजरे हैं। वो महमूद गजनवी को एक अल्लाह वाले ने दुआ दिया था, फइन तवल्लौ फखलस भी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ तवक्कल तो हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम। ये हजरत महमूद गजनवी जो है 1000 मरतब पढ़ते थे और सोते थे और अल्लाह पाक ने उनको वो फतवा दिए, वो उनको उनसे काम दिया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है उन्होंने अपने काम को जारी सारी किया। लेकिन इबादत तो एकदम पक्का कर देते, साथ में दुआओं का भी एहतमाम कर देते और ये खास तौर से ये दुआ पढ़ देते किसी अल्लाह वाले देने की वजह से उनको अल्लाह पाक ने बहुत काम लिया। इसीलिए क्या है, बादशाहत मिलना कोई कमाल नहीं, बादशाहत के साथ में दीन को लेके चलना, दीन के जो लोग जो है उनको समझाना करना। आज पूरी मुसलमान जो परेशान, इसकी वजह यही है कि हर मुसलमान जो है अपने आप को तरीके पे चलेगा और जिंदगी में भी कामयाब होगा, मरने के बाद हमेशा की कामयाबी, हमेशा का रहने का, हमेशा का ठिकाना जन्नत उसे मिलेंगे। हर मुसलमान जो है अभी हर मुसलमान जो मस्जिद आबाद करेगा अल्लाह पाक गैरों को हिदायत देगी और गैरों को ऐसा अपने बोले ये मुसलमान कैसे है, इनके मामले अच्छे, इनके माशरे अच्छे, इनके अखलाक अच्छे, यही जो है दीन को फैलाइए। जो जितने भी बादशाह जो गुजरे हैं ये सब अपने आप को काम करके अपने आप को खपा दिए दीन के खातिर। इसलिए हम हर मुसलमान घर में औरतें अपना नमाज पढ़े और बाद में जो आदमी जो है बच्चे है, बड़े है, जवान है, जितने भी है मस्जिद को आबाद करेंगे, मस्जिद दुआ देगी, मस्जिद आबाद नहीं होगी तो आज हम सबके हालत देखिए चारे दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, क्या वजह, इसके लिए अल्लाह से हमारा ताल्लुक छूट गया। अल्लाह करे हमारे और आपके समझ में आ जावे और मस्जिद को आबाद करने की फिक्र करे और ये दुआ को पढ़े, फइन तवल्लौ फखुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ तवक्कल तो हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम। ये दुआ जो है सूरह तौबा की आखिरी आयत है जिसको अल्लाह वाले ने महमूद गजनवी को दिया था। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम है तो अपने न्यूज में आप वापिस उसको शेयर करिए, सब साथियों को दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सैयद साहब ने अभी जो दुआ बताया तो मैं चाहती हूँ हमारे फोर एमकी न्यूज की तुरु से कि ये दुआओं को याद करिए और अपनी परेशानी, और सही कहते हैं कि अल्लाह बेनमाजियों से हमेशा नाराज रहता है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी मुसलमान हैं सब ये न्यूज देखिए और ये दुआ को जरूर याद कीजिए। खुदा हाफिज़।